भाई काम नहीं है, 4 महीने पहले थपकी बंद हुआ, 2 साल 1 महीना चलने के बाद। उसके बाद छुट्टी मिली तो थोड़ा आराम भी करता है ना इंसान, उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मैंने भी छुट्टी मनाई, फिर हाँ ऑडिशंस हुए, चीज़ें आई, नहीं वर्कआउट हुई चीज़ें, कहीं कुछ मेरी पसंद की नहीं हुई, कहीं कुछ मैं उनकी पसंद की नहीं हुई। देखिए क्या हुआ कि ये काम जब हुआ उसके बाद मेरे माता पिता जाने वाले थे 1 महीने की छुट्टी पर। मैंने अपने घर का काम काफ़ी दिनों से नहीं करवाया था, तो मैंने सोचा पाइप्स वाइप्स लाइन वाइन सब कुछ चेंज चूंज करवा के 1 महीने के बीच में घर एकदम फ्रेश कर देती हूँ। इस बीच क्या हुआ, दोनों बीमार पड़ गए, एज इन दोनों को बुखार आ गया, तो इनका जाना कैंसिल हो गया और मैं सब बयाने दे चुकी थी काम करने के। तो मैं यहाँ से उठ के अपने राखी भाई सिद्धार्थ नागर के पास चली गई उनके ऑफिस में, बिकॉज ही वॉज आउट शूटिंग अ फिल्म ऑफिस आगरा 1 महीने के लिए थे। तो मैं लकी थी कि वो घर खाली था, तो हम सब वहाँ चले गए। इस बीच क्या हुआ कि मेरी मम्मी का एक मेडिकल प्रॉब्लम आ गया जो था इतना बड़ा, लेकिन वो होते होते इतना बड़ा हो गया है कि कल 16 तारीख को 1 महीना पूरा हो जाएगा मुझे ये मेडिकल जो सिचुएशन है उसको हैंडल करते करते। वो वेंटिलेटर पे थी कुछ 10 से 13 दिन, मतलब एग्जैक्टली डेट्स अब मुझे ऐसे ऐसे याद नहीं है। हाँ भैया ऑब्वियसली हॉस्पिटल है तो खर्चा होगा, 0/0 एक दिन हो ही जाएगा यार, इसलिए मैं काम भी ढूंढ रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया है कि वो दे आर रेडी टू हेल्प मी आउट फाइनेंशियली। उसके बाद जो है एक आर्टिकल आता है, उसके ऊपर से दूसरा आर्टिकल डाल दिया जाता है और भी जघन्य हेडिंग डाल के, और वाकई नग्न कर दिया जाता है एक ऐसे इंसान को जिसका हाथ हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा रहा है, ये सोचे बगैर कि इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका मतलब रिपरकशन क्या होगा। कलम, एक जिनके हाथ में कलम होती ना, कलम जो है ना, कलम एक वेपन है जी। जिसका बहुत ही, जिसको जब तलवार समझ लो, इसको इस तरह से चलाओ कि भाई वो सही चले, उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो बवाल हो जाएगा। वही बवाल मेरी जिंदगी में क्रिएट कर दिया गया। और मैंने नहीं पढ़ा एक भी आर्टिकल, मैंने खुद नहीं पढ़ा, बिकॉज मुझे पता था कि मैं ऑलरेडी, मुझे मेरा ध्येय क्या है, मेरी मातेश्वरी, मेरा ध्येय फिलहाल ये नहीं है। हाँ दिमाग ख़राब हुआ, मेरी दोस्तों ने, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि क्या लिखा गया, आई वॉज लाइक ओके जस्ट लेट इट बी, लेट मी गेस्ट आउट ऑफ दिस सिचुएशन फर्स्ट, देन आई विल लुक एट दैट। मैं फेसबुक पर नहीं जा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग एट द सिचुएशन एंड ट्राइंग टू हैंडल इट टू द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स। नज़रिया देखिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका नज़रिया कोई चेंज नहीं होता है, वो उतनी ही मोहब्बत देते हैं। इतने सालों के बाद भी आज भी मुझे पायल के नाम से लोग पहचानते हैं, हॉस्पिटल में भी, आपने वो वाला रोल किया है ना, हाँ किया है जी। पैसों से भी मदद करना ज़रूरी नहीं है, अगर कोई दिक्कत में है उसके साथ जस्ट शांति से जाके खड़े हो जाओ कि भाई हम खड़े हैं जी, बिल्कुल। और मैं वो करती हूँ जिसके बारे में पता लगे, मैं जानूं या उसे ना जानूं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खड़ी मिलती हूं। इसलिए मुझे दोस्त मिलते हैं जो मेरे बगल में खड़े होते हैं, जो मुझे उबार के ले जाते हैं, और मुझे इस बात का वाकई फ़ख्र है। मैं दुआ करती हूं कि जिसने भी ये सब चीज़ें लिखी है ना, उनकी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स कभी ना आएं, वाकई दुआ करती हूँ, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स आएंगे ना तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, अपने दोस्तों की, अनजान लोग भी आएंगे, खड़े हो सकते हैं। जो प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर याद करिएगा, मैं खड़ी मिलूँगी आपके बगैर, आपके बगल में। ABP News, आपको रखे आगे।